कि मोदी जी राफेल ले आया और राफेल उड़ा के दुनिया खत्म कर, बोले राफेल उड़ाने वाले कहां तुम्हारे पास, एक बच्चा पैदा कर रखा है बोले तुमने, वो फौज में जाएगा कर रखेगा, आ तो तुम्हारी जाट रेजिमेंट, गुजर रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, तुम्हारी रेजिमेंट खत्म होने वाली आज टाइम में, एक बच्चा क्या रेजिमेंट बनाएगा, या तो घर की रेजिमेंट ही चलेगी आप सीमा की चलेगी, एक बच्चा सीमा पे जाएगा घर सुनिए, बूढ़े माँ बाप बेटे मिलेंगे घर पे, हम ऐस करेंगे हम जैसे जम्मू कश्मीर के पंडितों को भाया एक रात में, क्या रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, नहीं कहे मस्जिदों में अजान लगी और घर के औरतों ने आटे के हाथ भी दिल्ली में आके धोए, आज वो कोई तो रिक्शा चलाता है, कोई पान की दुकान करता है, घूमते फिरते हैं, जो गाड़ियों में घूमते थे जिनके कुत्ते दूध बिस्कुट खाते थे, राजबिंदु की याद है तो कुत्ता 50,000 का पालता है, बच्चा तीसरा पैदा नहीं करता है, भाई साहब क्या खाएगा पड़ेगा, टिंगल टिंगल लिटिस्ट आ रही है, पापा लो पापा, ये कहां करेगा बच्चा है, कबीर का दोचा एक नहीं आया उसको, ये कहां से करेगा हिंदू का बच्चा, इसलिए ऊंचा फटाएंगे इसको भाई साहब, 2-3 इंजीनियरिंग बढ़ाएंगे, अरे बढ़ाओगे कि तुम्हारी तो विरासत खत्म होनी है, एक बच्चे के कुछ हुआ तुम्हारी तो हाथ निकालने वाला नहीं बच्चे का पीछे, तुम्हारा पिंडदान कोड करेगा तो सोचो एक बच्चा क्या कर लेगा तुम्हारा, आज संख्या हमारी घट रही है बाकी लोग सब बढ़ा रहे हैं, और जिस हिसाब से संख्या बढ़ती है कहां कहते जहां भी हिंदू कटा और देश बटा और बट रहा है, आज तुम इतिहास उठा के देख लो, बंगाल में कुछ नहीं कर सकते तुम, केरल में ईसाई हो गए कुछ नहीं कर पाते हिंदू, तुम जाके रामगंज में जाओ ना खाली मकान पड़े हिंदू के, गणेश जी पे माटी छड़ी हुए दरवाजे पे जाओ चार तो बार हिंदू जाओ, तुम पहलवानी करो जाओ आकर के जम्मू कश्मीर को बसाओ वापस, हम हिंदू भी रहे, बच्चा एक है भाई साहब वो भी शेर का बच्चा है और देखते तो उसके भी हाथ अग्रती पग मोमबत्ती सबकी हालत है, सबके दवाइयां चलती है बच्चों की, और वो पांच पांच छह छह कुछ ही नहीं रोड पे पड़ रहे हैं, ये तेरे नाम की टाल काट के कोई सलमान खान कोई शाहरुख खान पैदा हो रहा है, तुम हिंदू देखते रह सकते हो, लड़ाई होती है तो सब लड़ी देखते हो, जीतोगे कहां पे, आज इतनी युद्ध मुझे खुशी होती है और मैं तो खुश होता हूँ जिसके 5-7 बच्चे होते हैं, भैया तू बड़ा चलेगा, एक वाला बच्चा क्या कर लेगा, प्रॉपर्टियां खड़ी कर दी जम्मू कश्मीर की पंडितों की प्रॉपर्टियां में 1200 मंदिर रुपये लिखा है, या पेशाब करना जरूरी है, और सकूर भाई पैजामा हो छोटा भाई का पैजामा खोल के करते हैं वहां पे, तुम तो कुछ नहीं कर पाते, लाहौर कराची लाहौर ने किसने बसाया, लव ने कराची को किसने बसाया, किसकी संपत्ति दी, हम हिंदुओं की, हमारे बाप दादों ने खून पसीना करके वहां की GDP बहुत ऊंची कर दी थी, आज वो सब वहां पैजामे वाले हो गए, धोती कुर्ते वाले छोटी वाले तो बदल लिए सर, लेकिन कमी किन लोगों की, कमी हम लोगों की, मुसलमान अपनी टोपी पे गर्व करता है, मुसलमान हिंदू अपनी चोटी पे शर्म करता है, मुसलमान अपनी टोपी लगाएगा गर्व से जगह हिंदू तिलक लगाते शर्म करता है, किसने खत्म किया, वो तो सब कर रहे हैं, रोज पढ़ा लिखा बच्चा मस्जिद जाता वो जाता है, हमारे बच्चे मंदिर जाते शर्माते हैं, आरती नहीं आती बच्चों को, एक गणेश जी की छोटी सी तो विरासतें कितने बहुत, कह रहे हम क्या कर रहे हैं, कर तो तुम रहे हो, तुम अजमेर जाते तो ख्वाजा दीन जिसने 90 लाख मुसलमानों को हिंदुओं को मुसलमान बनाया ख्वाजा दीन ने, और आज विरासतें देखो हिंदू उनके जाकर के चढ़ाता है, पास में पुष्कर है, अरे रंग पेंट नहीं है ढंग से तुम्हारे तुम्हारे देवताओं के, तो घर के पुत कमारे पड़ोसी के फेरे करते फिरते हो, तो तुम जीतोगे कहां से, खुद की संस्कृति खुद की प्रकृति अपनी गंगा गीता गायत्री गौ माता अपने जितने महापुरुष किसी भी जाति के राष्ट्र पुरुष सब हमारे साझा है, और सब यूथ पीढ़ी उस पर गर्व करो, शर्म कभी भी मत करो, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है ये शर्म की संस्कृति है ही नहीं, हमने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, सबने हम पे किया, क्योंकि हमके पास कुछ लेने को था, उन फकीरों पे करके भी क्या करते, कुछ था ही नहीं, फकीर पड़े और खुद भूखे मंगे पड़े, थोड़ा कुछ हमने था इसलिए हमें लूटा गया, लेकिन हमने फिर भी दुश्मनों को भी यहाँ के बसाया, आज 5 करोड़ आबादी के 5 करोड़ घुसपैठे पड़े हैं, और उसके लिए मुसलमान नारा लगा रहे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये उनके नारे हैं, तुम कहते हो कभी हिंदू तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम बोलते हो कभी, शर्माती ऐसे बोलते नहीं बोलते हिंदुओं का, तो एक पास में भाई भी मर जाए तो दूसरा भाई से प्रॉपर्टी मेरे मिल जाए, और वो एक 400 गज का प्लाट लेकर 100-100 के करके 4 बसाएगा और 10-10 करके, आप पढ़े कहते हम 2 हमारे 2 कहता हम 5 हमारे 25 आज के 25 दो वाले जीतेंगे तुम्हारे भैया, बगेंगे कॉलोनी देख लो, जो कोई प्रॉपर्टी डीलर बैठा हो तो 4 कॉलोनी में वो मकान तो देखे बताओ उनको, हिंदू की कॉलोनी में 4 कोड़ी में मकान दे दो सकूर भाई के, वो रमेश सुरेश गोपाल तीतरी हो जाएंगे आधी रेट पे, तो भाई साहब आ गया तो खाएगा तेरे को, आदमी नहीं है तेरी माने अजवाण नहीं खाई सीन खाई है, डर गया हिंदू क्योंकि संख्या बहुत बड़ी महत्व रखती है भाई, गण जीते सूर मारे, शिवाजी ने कोई भी छापा मारी उस प्रणाली इसलिए करनी पड़ी कि संख्या में कम थी, इसलिए पहाड़ों में छिपता था फिर पीछे से अटैक करता था वो, लेकिन 6.5 पट गई अफजल खां को शिवाजी ने फाड़ दिया, हम तो उनकी संतानें हैं, धरना वरना किसी को नहीं, अपने बच्चों को शाखा में भेजो RSS सबको लाठी जोड़ा कराटा, एक बच्चा तो उसको मजबूत तो बढ़ाओ, उसको भी तुम चुन्नू बदनू गुल्लू बेटा बना के रखते हो, मिट्टी में डोलने नहीं देते हो, वो जो मिट्टी में नहीं लौटेगा वो कहाँ जाके सीमा पे लड़ेगा, वो तो वहां भी जाकेगा मोह में, तो बहुत गर्मी है AC में जो बाड़मेर का कुचम कुछ